दीपक जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है और आप देख रहे हैं कि ये काफी सुकड़ गया है। आम आदमी का ये 20 इंचेस होता है, ये आपका घटके 5.5 इंच के लगभग एवरेज में हो गया है लेफ्ट आई का। दीपक जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आंख का और आप इसमें देख रहे हैं कि एवरेज आपका करीब 5.5 इंच दिखाई पड़ रहा है, अपर 4.5, लोअर 5.5 एंड राइट और लेफ्ट साइड में 6.5 आपका इंचेस आपका विजन बचा है। और इसी तरह लेफ्ट आंख का भी काफ़ी कम हो गया है, उसमें भी सेम स्थिति है, मैं 4.5, लोअर 6.5 और राइट एंड लेफ्ट 6.5 इंचेस आपका विजन बचा हुआ है। तो ये जो साइड विजन आपका कम हुआ, तो उसके कारण आपकी ज़िंदगी में क्या परेशानियां आ रही हैं, आप थोड़ा सा विस्तृत में बताएंगे? चीज़ों से टकराना आम बात हो चुकी है। आम बात हो चुकी है, चीज़ों से टकरा जाते हैं, भीड़ में लोगों से भी टकरा जाते हैं। और बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। रास्ते में रखा हुआ कोई सामान से आप टकरा के गिर जाते हैं कभी कभी? ऐसा कोई चीज़ नीचे रखी हुई आपसे टकरा के गिर जाए, टूट जाए, ऐसा हुआ है? टकरा जाती है लेकिन गिरना नहीं होता। आप समझ जाते हैं टकरा जाते हैं नीचे रखी हुई चीज से, तो से दिखाई देती। ये गाड़ी वगैरह चलाते हैं आप कभी? नहीं, गाड़ी साइकिल हाँ दिन में चलाता हूँ। दिन में चलाते हैं, दिन में स्पीड पे करो, गड्ढे देखने में दिक्कत आती है। सिग्नल लाइट है आपके वहाँ, ट्रैफिक सिग्नल लाइट, उसमें आपको कुछ परेशानी लगती है क्या? कभी कभी लगती है, अगर ध्यान ना दो तो। ध्यान ना दो तो यार, ध्यान से देखना पड़ता है आपको कौन सी लाइट चल रही है। तो कलर ब्लाइंडनेस के कारण ये परेशानी आती है कि आपको ट्रैफिक की लाइट नहीं दिखती, और साइड विजन के कारण आपके जो कम होता जा रहा है उसके कारण आपकी ये स्थिति है कि आप यहाँ वहाँ टकरा जाया करते हैं, साइड से क्या निकल गया आप समझ नहीं पाते हैं और घबरा जाते हैं। ठीक, हम प्रयास करेंगे कि आपकी सारी परेशानियाँ कम हो और आपकी ज़िंदगी में फिर कॉन्फिडेंस वापस आए। बेस्ट ऑफ लक। पेरिफेरल विजन चार्ट है, आप देख रहे हैं कि तीन डायरेक्शन से लेफ्ट आंख में आपने 100% विजन प्राप्त कर लिया है। अब आपको लगता है कॉन्फिडेंस अपनी जिंदगी में चलने फिरने में, क्या लगता है अब आपको कि अब चल फिर सकता हूँ आराम से? चल फिर रहे हैं आप नई जगह पे, आपको साथ की जरूरत तो नहीं लगती कि मैं कहीं टकरा जाऊंगा, कोई गाड़ी निकली तो एक्सीडेंट नहीं हो जाए मेरा? थोड़ा सा लगता है लेकिन बाकी अगर चलना चाहूँ तो चल सकता हूँ। अब अकेले आप चल फिर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ने उतरने में की दिक्कत कम हो गई। तो कुल मिला के सोच नहीं सकते, आपको करीब करीब 4 गुना इम्प्रूवमेंट हुआ है। करीब 6 इंच आपकी विजन, पेरिफेरल विजन थी दोनों आंखों की, जो अब आज बढ़कर कम से कम 18 इंच के आसपास हो गई है, 16 से 18 इंच के बीच में हो गई है। ये आपको देख के खुशी हो रही कि आपकी रोशनी बढ़ी है? हो सकता है, ये रिजल्ट है आपका, है ना? मात्र पहले कोर्स के बाद आपकी रोशनी 3 गुना से ज्यादा हो गई, ये सकना नहीं है, ये हुआ है। सही है, सही। तो अब आप जैसे जो दूसरे पीड़ित लोग हैं जिसकी पेरिफेरल विजन कम हो रही है, हर पल चलने में टकराने का डर लगना शुरू हो गया है, उन लोगों से आप क्या कहना चाहोगे? कि हाँ, उज्जैन में आइए, अपना इलाज कराइए। उज्जैन आके इलाज कराइए, जिस तरह आप ठीक हुए क्या उनको भी फायदा होएगा? हाँ, हो जाए भाई, इलाज वही है। आप शरीर के बहुत से लोग आपने देखे यहाँ पे, करीब करीब आपने कितने लोगों से मिले, कितने लोगों का इलाज हुआ आपके साथ? मेरे सामने कम से कम 20 से 25 लोगों का है ना। कोई भी असंतुष्ट दिखा? हाँ, सब संतुष्ट लग रहे थे, सभी संतुष्ट लग रहे थे, सबको फायदा हो रहा है, किसी को कम किसी को ज्यादा। आपको ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत सारी बधाई है आपको, आपके परिवार को, कि आपकी रोशनी 3 गुना बढ़ गई है, बधाई हो। थैंक यू। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है, जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।